here. Cyclo.
हम अपनी नंबरिंग हम वैसे करेंगे जिससे कम से कम नंबर में सारा आ जाए। समझना अच्छे से क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोई फॉर्मल ग्रुप वगैरह नहीं है, बस क्या है सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है। हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे कि सबका सब आ जाए और कम से कम नंबर मिले, लो इसको कहते वही होता है। तो यदि हम इसका नंबरिंग करते हैं ऐसे, इधर से करें किधर से करें बताओ, इधर से जाएंगे तो सबको ज्यादा नंबर मिलेगा ना। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। इधर से मान लीजिए इसको वन करें, इसको टू करें, इसको थ्री करें, इसको फोर करें, ठीक है, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, तो क्या मिला, क्या मिला ये रेड वाला को क्या क्या मिला, वन मिला, थ्री मिला, फोर मिला, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब ब्लू वाला देखो हम कैसे कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं वन, इसको मान रहे हैं टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, इसको हो गया फाइव, इसको हो गया सिक्स। ब्लू वाला आपका क्या मिला, ब्लू वाला मिलता वन कॉमा टू कॉमा फोर, बताओ कौन सा लोएस्ट क्वोटेंट में आ रहा है, वन टू फोर। समझ आया, ध्यान में रखना लोएस्ट क्वोटेंट में ही लगाना है इसमें तुम्हारा, बोलो ये करते वक्त नंबरिंग करते वक्त, ठीक है, ये है समझ में आ रहा। तो अब बताओ नंबरिंग अपना कौन सा सही होगा, ब्लू वाला रेड वाला हो जाएगा गलत, हम रेड वाला यहाँ हटा देते हैं तो गलती को सुझाओगे, ठीक है। चलो अब बताओ क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा क्या है साइक्लो प्रोपाइल है क्या, ये वाला क्या है तुम्हारा हेक्साइड है, ये तुम्हारा क्या है साइक्लो प्रोपाइल है ना, और ये क्या है मिथाइल। तो पहले क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे ना, हाँ यस टू साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। अब बताओ कितना पे, फोर पे मिथाइल, समझ में आ रहा है, उसके बाद वन पे मिथाइल और उसके बाद साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। चलो यहाँ आओ नंबरिंग इधर से भी कर लो, बात बराबर है, लेकिन इधर से भी होगा क्या, यहाँ के बाद यहाँ भी टू, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रीफिक्स रूल लगेगा ना, पहले मिथाइल की तरफ से करें या पहले मिथाइल की तरफ से, मिथाइल की तरफ से नंबरिंग होगा वन और ये होगा टू, ये तुम्हारा क्या है मिथाइल और ये तुम्हारा क्या है मिथाइल, नाम क्या लिखेंगे बोलो, वन मिथाइल, ठीक है, डैश टू मिथाइल, ठीक है, और साइक्लो बोलो प्रोपेन। अब इसका बताओ किधर से होगा, इधर इसका किधर से होगा, क्लोरीन के पास से या ब्रोमीन के पास से, कैसे ब्रोमीन के पास से, अरे भैया वो प्रीफिक्स वाला तो तब लगाएंगे ना जब दोनों में कॉमन एक यहाँ और एक यहाँ, अब इधर ब्रांचेज ज्यादा है क्लोरीन में भैया, समझ रहे हैं, ब्रांचेज ज्यादा है तो सीधा क्यों जाएगा नंबरिंग पे, ये होगा वन, ये होगा टू और ये हो जाएगा थ्री, समझ में आया। अब बताओ नाम इसका हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो नाम लिख रहे हैं अपने दिन को मिल को लेंगे ना, नाम क्या है यहाँ पे थ्री, थ्री होगा ना, थ्री नाम लिख के बाद तो भी लेंगे ना, थ्री प्रोमो वन कॉमा वन डाई क्लोरो, ठीक है, साइक्लो बोलो, ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसका बताओ कौन सा होगा नंबरिंग किधर से, मिथाइल मिथाइल वाला होगा, प्रीफिक्स वाला करेंगे या फिर नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, समझ आया, ये हो जाएगा तुम्हारा वन, ये हो जाएगा टू, और नाम बताओ क्या होगा टू मिथाइल, ठीक है, डैश वन कॉमा वन डाई मिथाइल होगा क्या, और साइक्लो प्रोपेन। चलो इसका बताओ कौन सा होगा पहले, साइक्लो ब्यूटाइल वाला होगा या फिर मिथाइल वाला होगा, साइक्लो ब्यूटाइल कसी पहले आए, ये होगा वन टू, नाम क्या हो जाएगा साइक्लो वन साइक्लो, ठीक है, साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, टू मिथाइल, ठीक, और साइक्लो हेक्सेन, ठीक। इसका बताओ ब्रोमीन से करेंगे कि क्लोरीन से, वन टू थ्री फोर, तो क्या हो जाएगा वन ब्रोमो, ठीक है, फोर क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, और उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन।
इसको लिखना आना चाहिए। जैसे ये तुमको हाइको का टाइप नजर आए, वो क्या है, वन लिखाई लिखाई, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब वो बार बार उसको नंबरिंग दे करके लिखोगे तो टाइम वेस्ट कर दे, इतना प्रैक्टिस कर लिए वो, ये जहाँ नजर आ रहा है इस तरीके से, ये तुम्हारा क्या है बेसिकली, वन लिखाई लिखाई, यही है ना जी। और ये ब्रैकेट के अंदर आता है, और ये जैसे ही नजर आ गया वो क्या है तुम्हारे लिए बताओ, वन कॉमा वन टाइम लिखाई लिखाई, यही है ना, वन कॉमा वन टाइम लिखाई लिखाई। और बात ध्यान में रखो, बैठा लो, जैसे ही ये दोनों नजर आए पहले इसको लिखना, उतना बार बार थोड़ी करोगे, क्योंकि उसका डी पहले आता वो कैंड बाद में आता है, समझ आया, क्लियर हुआ? और ये दोनों का पोजीशन फिक्स भी है तो नंबरिंग सिस्टम से पहले करेंगे, नीचे वाले की तरफ से करेंगे, ये दिमाग में बैठा हो, क्योंकि अब बार बार तुम इसका नंबरिंग दोगे, फिर इसका नंबरिंग दोगे, फिर इसको अलग लिखोगे, बार बार बच्चे की तरह ही करोगे, कटिंग सीखने के लिए वो सही, समझ गए क्या आप बोले? अब बताओ इसका क्या होगा तुम्हारा नंबरिंग की तरफ से, ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री और ये होगा फोर, समझ आ गया करती है? ठीक, अब बताओ नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम तो वहां लिखे कितने पे, वाले पे ना लिखे, वन स्टार वन कॉमा वन डाइन डिफाइन, ठीक है, और डिफाइन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, चौथे पे डैश क्लोज डैश, वो क्या है, वन डिफाइन डिफाइन स्टार वन डिफाइन, ठीक है, डिफाइन, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज क्या है, साइन का एक्सचेंज, समझ में आया? अरे बोलो, ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि अपने पास रिपीट कौन नहीं आ रहा, बार बार यही दोनों आ रहा, इसको फिक्स करो ना दिमाग, बार बार उसको बनाना लिखना कितना बार करोगे? अब देखो यही बात तुम्हारा, ये बताओ अब तीन जगह आ गया, और तीनों जगह क्या सिमेट्रिकल है, तो नंबरिंग कहीं भी दे दो, समझ आया? हम मान लेते इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स, अब कहीं सॉल्विंग होगी ना, वन थ्री और फाइव ही आएगा,
ठीक है, इसका तुम्हारा तीसरा पीरियड आ रहा है 1.5 किलो, और ये चला गया थर्ड, ठीक है थर्ड पीरियड भी गया, और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा है, क्या सूखा है ये लिखा तो सही है तीसरा पे, ठीक है तीसरे पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो इसलिए वो ये थ्री दिए हैं, और ये बाकी कॉम्प्लेक्स का भी पता है था उसको पार्ट लिखेंगे इसको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, ठीक है तो ये कितने पे है तीसरे, तो फिर को लिखना पड़ेगा ना थ्री, अब फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे थ्री, ठीक है थ्री, और यहाँ पे देखेंगे डैश, और फिर देखेंगे छोटा सा ब्रैकेट,
पहले को क्या बोलेंगे, अल्की बोलते हैं ना, और इसमें आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा। दूसरा क्या होगा, अल्काइन, और ये आपका क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका हो जाएगा पॉली एल्कीन एंड पॉली अल्काइन एंड पॉली अल्काइन। मतलब क्या, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, पॉली का मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है, और चौथा जो हम लोग देखेंगे वो अल्कीनाइन, यानी कि पीएन का मतलब डबल बॉन्ड और वाई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि वैसा वाला सैचुरेटेड वाला जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ। समझ में आया, एक देखेंगे केवल डबल बॉन्ड, एक देखेंगे केवल ट्रिपल बॉन्ड, एक देखेंगे डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा, और चौथा वाला के क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ। समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहला डबल नेमिंग ऑफ अल्कीन। ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन में क्या लिखते हैं हम लोग, वही लिखते हैं ना, अल्कीन को लिखते हैं। ठीक है, अल्कीन ही लिखते हैं ना, और तो कुछ उसमें लिखते नहीं है। जैसे कि ये तुम्हारा सी एच टू सिंगल डबल बॉन्ड सी एच टू, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, एथीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि सी एच थ्री सी एच का डबल बॉन्ड सी एच टू ले, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीन होता है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक, और यदि हम लोग ये ले सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो इसका नंबरिंग करना होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता और आगे भी हो सकता, समझे? लेकिन इसका नंबरिंग क्यों नहीं किए, अरे यहाँ भी रहेगा तो पहले कार्बन में रहेगा और यहाँ भी रहेगा तो पहले कार्बन में ही रहेगा, नंबरिंग करेंगे तो, समझे क्या? तो इसका नंबरिंग करना होगा, ये क्या होगा, 1 2 3 और 4। और इस बार नंबरिंग का हम किसको प्रेफरेंस देंगे, मल्टीपल बॉन्ड। अभी तक जितना भी प्रेफरेंस पढ़े सबसे ऊपर अभी कौन रहेगा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल के आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन भी खत्म हो जाता, मतलब सबसे बड़ा लॉस वही हो गया। समझ में आएगा क्या हम बोले? ठीक है, तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ, लिखेंगे आप, देखो इसका अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं यू, चार कार्बन हुआ, ब्यूटेन को ए ही तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए। अच्छा, ए कितने पे है, पहले कार्बन पे है ए, ब्यू 1 ए, या फिर लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिखेंगे, तो मतलब वही होगा कि पहले कार्बन पे। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कैसा, आप लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग चीज सुनो उनको यही दोनों नजर आएगा। ठीक है, और ये वाला लिखोगे तो और बढ़िया तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि ब्यू, और उसके बाद कितने पे ये थी, 1 पे 2 पे, जो भी नंबर डालो फिर तुरंत ये लिख काम निकल गया। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारा ये लिख देते हैं इसी में आप, अगला सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री, बताओ नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इस बार इधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उधर से दूसरा और इधर से दूसरा, नाम क्या होगा बोलो, बोलो, ब्यूट डैश 2PNP, या फिर लिख सकते हो 2-butene। ठीक है, आगे देखो इसी और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये CH2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ नाम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना, देखो ये अब पहला पे तो नहीं। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम लिखते हैं यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये कितने CH3, नंबरिंग किधर से होगा, नंबरिंग किधर से होगा, किधर से ना, 1 2 3 4 5, बोलो नाम क्या लिखेंगे, Pent 2 PNP, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 pentene। समझ में आया क्या आप बोले? ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज हम क्या बताना चाह रहे हैं, पैरेंट चेन सिलेक्शन। ठीक है, पैरेंट
बोलेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, ठीक है? उसके बाद बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है? और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन, यानी जितना ज्यादा साइड चेन मिले वो हवा के लोएस्ट लोकेट नंबर पैरेंट चेन, ठीक है? लोएस्ट लोकेट ये निकल फिर करते हैं, समझ में आया? अब हम लोग सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? बोलो क्या बात, समझ में आया?
ठीक है। ये तुम्हारा पैरेंट चेन है जी,
नंबरिंग किधर से लिख रहा हूँ? ट्रिपल आ गया क्या? ये वाला वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर आ गया। फाइन नाम क्या लिखते हैं? टू कॉमा फोर डाई फाइल ना, टू कॉमा फोर डाई फाइल। उसके बाद पेन का होगा और टेंस वन कॉमा फोर डाई जी एन टी। और क्या लिख सकते हैं उसके जगह? ये कंप्लीट सेम होगा और यहाँ पे यहाँ तक लिखाई तक और यहाँ पे लिख सकते हो वन कॉमा फोर पेंटा डाई इंजिन।
follow on Tuesday next week. होगा? समझ में आया? अब इसका नाम क्या लिखेंगे? U E N Y N E. Basically beauty और Y N E था, ठीक है? और Y N E लेकिन इस E को हटा दिया गया, according to rule. ठीक है, ये E हट जाएगा. और किसी भी हम डायरेक्ट नाम में भी नल भी नहीं लिखते हैं, तो टेंशन नहीं आता. ठीक है, तो ये नाम क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट? BUTTGNYNE. और नंबरिंग क्यों नहीं दिए? क्योंकि चार कार्बन का है, तो पहले और आखिरी में ही होगा, बीच में नहीं हो सकता कोई भी. ठीक है, पहले और आखिरी में ही होगा, बीच में हो नहीं सकता. क्लियर? देखो नंबरिंग रूल. नंबरिंग रूल ठीक है, लिखो. वी नंबर का पेरेंट चेंज, वी नंबर का पेरेंट चेंज. ठीक है, वी नंबर का पेरेंट चेंज फ्रॉम दैट इज फ्रॉम विच ऑब्टेन मिनिमम लोकेट सेट. ठीक है, सुनो. वी नंबर का पेरेंट चेंज फ्रॉम दैट इज from which obtain minimum locate set for multiple bonds. Minimum locate set for multiple bonds. लिखे हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? मतलब उधर से ना, मतलब डबल और ट्रिपल दोनों है ना, उधर से ना हम लिखेंगे, इधर से दोनों पास में आए. सिंपल, दोनों जिधर से जल्दी आएगा ना नंबरिंग उधर से करेंगे. ठीक है, और दोनों लेट से आ रहा उधर, आप उधर से नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा. Right.
छठे पे आता हूँ, दूसरा चौथा छठा, दूसरा चौथा किरण तरीके हो, किरण तरीके से सिमेट निकाल। ठीक है, ये निकाल। बताओ क्या लिखने के पहले वाले का नाम? Thank you.
जितने भी तुम्हारा क्या लगे हुए फाइट है वो और कम से कम नंबर में आ जाए तो नंबर एक क्लास करके बताओ यहाँ से ये वन और ये टू अरे तो डबल बॉन्ड कहाँ होता तुम नंबर की ये वन और टू करोगे कब तो आएगा डबल बॉन्ड का नंबर डबल बॉन्ड का भी यहाँ पर तीन धर्म पड़ जाना गलत हो जाएगा अंडरस्टूड तो ये क्या हो जाएगा वन टू और थ्री क्या लिखोगे थ्री थ्री फाइव ठीक है और साइन लो ठीक है बोलो प्रोपी है ना प्रो वन ये समझ आया इसके अलावा आप क्या करोगे नंबरिंग बोलो वन टू थ्री यही होगा ना देखो वॉइस रोकेट पकड़ता है इसका देखो इधर से जाओगे तुम भी वही वही होगा क्या नहीं गलत हो जाएगा क्या होगा वन और फोर मिलेगा मिलेगा ना और इधर से जाने तो क्या मिल रहा है वन और थ्री मिल रहा नहीं समझ गया आपको यदि ऐसे नंबर कर रहे हैं तो आप ऐसे ही लिखेंगे इधर से तो वन टू थ्री फोर तो क्या मिलेगा वन पे और फोर पे गलत हो गया ना और यहाँ क्या मिल रहा है वन पे और थ्री ठीक है अब नाम क्या लिखेंगे इसका बताओ थ्री ब्रोमो होगा थ्री क्लोरो और साइक्लो ब्यू होगा ना साइक्लो ब्यू डैश वन पीएनई ठीक है अब इसका करो क्या करोगे किधर से भी करो ये हो जाएगा हाँ लेकिन ऐसे चमत्कार मत करना कि वन इसको लिखे और टू इसको लिखे ऐसा काम मत करना ये वन टू थ्री और क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यू का एक डबल बॉन्ड दो बार से एक बार से ज्यादा साइक्लोब्यूट का डैश वन कॉमा थ्री डाई ई एंड बी समझ आया बोलो वाला किससे क्या होगा नंबर एक कहाँ से इधर जाए हाँ यहाँ से चालू मत करना ऐसा देखने में कभी भी अच्छा लगता है उसको से यहाँ से यहाँ से लिखे बंद निकाल सब कुछ का नाम है क्या लिखेंगे नाम इसका बोलो पेंट का होगा ना वन कॉमा थ्री डाई ई चल इसका नाम बताओ क्या लिखोगे कहाँ से जाओगे साइक्लोन ठीक है इसका क्या लिखोगे नाम लिख पाले नंबर इसका नाम लिख लोरिन से यहाँ से क्या है वन टू ठीक है थ्री फोर फाइव आप होशियारी करके ऐसा मत करना ज्यादा दिमाग लगा के ये वन टू थ्री फोर फाइव बताओ कौन सही होगा सोच लो जरा यदि तुम रेड वाले में जाओगे तो क्या मिलेगा वन एक तो तुमको डबल बॉन्ड किस पे मिलेगा अच्छा ये वाला किस पे मिलेगा तीसरे पे क्लोरीन तीसरे पे मिलेगा डबल बॉन्ड कितने को मिलेगा डबल बॉन्ड कितने को मिलेगा पहले पे और चौथे पे मिलेगा ना एक लो जरा और इसमें यदि यहाँ से तुम पकड़ोगे ब्लू वाला से जाओगे तुम ब्लू वाला से तुम डबल बॉन्ड किस पे मिलेगा वन ऑफ थ्री और क्लोरीन कितने को मिलेगा पांच तो सही कौन देख लो हवेली चेक कर ब्लू होगा ना क्लोरीन को आपको पाले देखना साइड में पाले किसको देखना है मल्टीपल वन ठीक है तो ब्लू तो पाले को देखना करें और ये हो जाएगा मैंने बताओ आप क्या लिखेंगे रेड को हटा रहे हो क्या लिखेंगे पाले तो लिखेंगे फाइव क्लोरो ना लिखेंगे फाइव क्लोरो क्लोरो इसके बाद साइक्लो साइक्लो और साइक्लो पेंट ना पेंटा साइक्लो पेंटा वन कॉमा थ्री डाई ई एन ई
पढ़ने वालों लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक है, और उसके बाद से चेक करते हैं साइक्लिक असाइक्लिक, मतलब उसके बाद देखेंगे साइक्लिक या असाइक्लिक, और जिसमें भी साइक्लिक वाले को हम लोग ज्यादा देंगे लेकिन इसका नंबर नहीं आता ठीक। अब देखो जैसे कि ये तुम्हारा आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, चलो किसको देंगे अग्री कहां से कौन सा होगा ये होगा ना नंबरिंग कहां से ये होगा वन और ये होगा टू, पहले पे क्या है साइक्लो बोलो प्रोपेन की प्रोफाइल कैसे बोलो ना वन साइक्लो प्रोफाइल हाथों कार्बन मिल गया होगा इसी होगा ना ये हो जाएगा इसका नाम ठीक है। इसी तरीके से यदि तुम्हारा दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये ऐसा तब क्या लिखोगे ठीक है।
लिखे और एक क्वेश्चन है ये भी कर हाउ मेनी डाई इन फाइव साइक्लो बेंजीन और ये वाला जो है आकर के कल के पता है ठीक है।